बारिश बहुत जोर की हो रही है गाइस, बहुत जोर की। उधर सामने है दहीसर मेट्रो और यहाँ हो रही है बारिश। बॉम्बे में बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है आजकल, काफ़ी गजब का लगता है हमको ये चीज़। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है शाम के 4 बजे से और काफ़ी लेट सो के उठा हूँ क्योंकि कल का बहुत सारा थकान था, कैसे कैसे दूर हुआ। सो आज है हमारे घर पे हल्दी सेरेमनी। मैं बॉम्बे आया हूँ शादी इंजॉय करने के लिए और आप भी हमारे साथ सांजी शादी को इंजॉय करिए। तो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। सो आप लोग कैसे हैं, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बॉम्बे में, बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नहीं तो बहुत जगह जाने का मेरा प्रोग्राम था बट बारिश की वजह से सब कैंसिल हो रहा है। फिर से बारिश चालू हो गई और अभी कुछ समय पहले बंद था बट अभी फिर से चालू हो गई। गोप्रो होता तो मैं भी निकल जाता कहीं बाहर बट फ़ोन है तो नहीं निकल पा रहा हूँ। ये है देसी जुगाड़, देखिए इतना बड़ा है कहीं जो कि माड़ों का काम करेगा और गांव में इतना छटा जाता है, काट देते हैं लोग, यहाँ तो इतना ही से ही काम चलाना पड़ेगा। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ नहीं, मैं तभी मैं गया था जस्ट दही लेने के लिए क्योंकि पूजा पाठ में दही का होना बहुत ज़रूरी है, अभी मैं लेके जा रहा हूँ उसे। बारिश बहुत जोर की हो रही है गाइस, बहुत जोर की, और अंदर अंदर चल रहा है पूजा। ये हो रहा है मटमंगला का कार्यक्रम, अभी कुछ टाइम में हल्दी होगा। वंदे पार्वती परमेश्वरं सुमर्तनंताय त्रम्बकेश्वर कृपातं चतुरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय साक्षदेवी आंजनेया चुम्म अग्रपाद एकल जायके और अभी चल रहा है फोटो सेशन। फंक्शन ख़त्म करने के बाद अब हम जा रहे हैं दादर रेलवे स्टेशन, वहाँ हमें पिकअप करना है दीदी लोग को, फिर वहाँ से रिटर्न आना है। तो वहाँ उनकी ट्रेन आएगी 12 बजे, चलिए मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। विरार की ट्रेन में रात में ऐसा ही भीड़ रहता है। ये है विरार की ट्रेन। और ये जा रही है AC लोकल बॉम्बे की।